आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से अकाउंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण होने वाली धीरे धीरे और अस्थायी कमी को कहते हैं ह्रास यानी डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट, ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ की गणना करना। नेक्स्ट, किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? चालान पर माल। नेक्स्ट, ह्रास लगाए जाने का कारण है मूल्य में कमी होने के कारण ह्रास लगाया जाता है। ह्रास लगाने की वो कौन सी पद्धति है जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान रहती है? अस्थायी प्रभाग पद्धति। कर्मागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाया जाता है संपत्ति के ह्रासित मूल्य पर लगाया जाता है। अपलेखन का अर्थ अपनिखित करना है अदृश्यमान संपत्ति पर। एक संपत्ति का अपलिखित मूल्य 3 वर्षों के ह्रास के बाद 10% वार्षिक की दर से 36,450 है। इसके मूल्य लागत क्या थी? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास एक प्रक्रिया है संपत्ति की लागत का इसके जीवन काल में आवंटन है। नेक्स्ट, ह्रास का आयोजन किया जाता है अस्थायी संपत्तियों पर किया जाता है। नेक्स्ट, ह्रास की गणना का आधार है बाजार अथवा लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो। नेक्स्ट, मूल्य लागत पर ह्रास की पद्धति से काटा जाता है अस्थायी प्रभाग पद्धति से काटा जाता है। नेक्स्ट, ह्रास के किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है? अस्थायी के पद्धति में। नेक्स्ट, ह्रास के प्रभारित करने का उद्देश्य है उत्पादन लागत ज्ञात करना, संपत्ति के पुनः स्थापन की व्याख्या करना, आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना है। लेखांकन परमापिक संबंधित है, ह्रास लेखांकन से संबंधित है। ह्रास की राशि यदि ह्रास घटती मूल्य पद्धति से लगाया जाता है तो प्रतिवर्ष घटती है। भवन पर ह्रास लगाने पर डेबिट किया जाएगा ह्रास खाता में। निम्न में से प्रायः किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। 12,500 में से एक संपत्ति खरीदी गई थी और 20% वार्षिक दर से घटती शेष विधि से हासिल होनी थी 3 वर्षों के बाद का मूल्य क्या है? 6,600 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है अस्थायी संपत्ति की पुनर्स्थापना हेतु कोष की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, एक संपत्ति की मूल लागत 2,52,000, अवशिष्ट मूल्य 12,000, अपलिखित मूल्य विधि के अंतर्गत ह्रास की दर 10% हो तो दूसरे वर्ष का ह्रास होगा 22,680 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना नव प्रवर्तक और आविष्कार का है। नेक्स्ट, एक मशीन पर ह्रास प्रारंभ होता है उस तिथि से है यह व्यवहार के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रिक्तिकरण विधि होती है? कोयला खदान होती है। नेक्स्ट, ह्रास की रिक्तिकरण विधि सामान्यतः लागू होता है क्षयशील संपत्तियां पर। संपत्ति का मूल्य लागत घटाव अवशिष्ट मूल्य संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन है ह्रास का। नेक्स्ट, कर्मागत लागत शेष पद्धति में ह्रास की राशि घटती है। नेक्स्ट, अस्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि स्थिर रहती है। नेक्स्ट, भूमि का उपयोग जीवन काल भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है असीमित होता है। संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल होते हैं अनुमानित होते हैं। अस्थायी किस्त विधि में ह्रास निकाला जाता है मूल्य लागत पर। नेक्स्ट, कर्मागत शेष पद्धति में ह्रास निकाला जाता है घटे हुए मूल्य पर। नेक्स्ट, ह्रास है प्रावधान, प्रावधान होता है लाभ के प्रति भार। नेक्स्ट, प्रावधान का सृजन करना है अनिवार्य होता है। प्रावधान का लेखा किया जाता है लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट, संचय का लेखा किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाते में। नेक्स्ट, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? आयगत संचय। नेक्स्ट, आर्थिक चिट्ठे से न प्रकट होने वाली संपत्ति को कहते हैं गुप्त संचित। अशोध ऋण आयोजन किया जाता है सामान्य संचय पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका बनाना अनिवार्य है?
प्रावधान को बनाना अनिवार्य होता है न। अज्ञात दायित्वों के लिए किसका निर्माण किया जाता है? आयोजन का। आयोजन का निर्माण करते हैं लाभ हानि खाते से न। अज्ञात या अनिश्चित हानि की पूर्ति के लिए बनाया जाता है संचय न। पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है पूंजीगत लाभों से न। आयगत संचय का निर्माण किया जाता है आयगत लाभ से न। प्रावधान है आय के विरुद्ध प्रभार न। ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है? प्रावधान को न। अज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है? संचय को न। संचय बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता से न। प्रावधान बनाया जाता है लाभ हानि खाता से न। संचय बनाया जाता है सरल से। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।